नमस्ते दोस्तों, इस श्रृंखला के 23वीं हारमोनियम पाठ में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। पिछले पाठ में हमने ताल कहरवा में एक अलंकार हारमोनियम में बजाना सीखा था। हमने उस पाठ में सीखा था कि वह अलंकार को कैसे विलंबित और मध्य लय में एक साथ बजा सकते हैं। आज के पाठ में हम उसी अलंकार को बजाना सीखेंगे, द्रुत लय में कैसे बजा सकते हैं। अगर आपने अभी तक वह पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके देख सकते हैं। परंतु आज का पार्ट शुरू करने से पहले, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हारमोनियम से संबंधित सारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पाठ का पिच B2, पाठ का ताल कहरवा, इसके 8 मात्रा है। इसका ब्रेकअप कुछ इस तरह किया जाता है, 4/4। हम आशा करते हैं कि आपने उस अलंकार को अच्छी तरीके से अभ्यास किया होगा और आपको पूरा अलंकार अर्थात आरोही और अवरोही क्रम दोनों याद है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अलंकार को हम आज सिर्फ 2 उंगलियों से बजाएंगे। आज के पाठ में हम विलंबित, मध्य और द्रुत लय एक साथ बजाएंगे, इसीलिए कृपया ध्यान दें जब हम एक लय से दूसरे लय में बदल रहे हैं।
यह था कि पिछले पाठ के अलंकार को कैसे हम विलंबित, मध्य और द्रुत लय में बजा सकते हैं। और इसके साथ हम आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आज आप कई नई बातें समझे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं बेल आइकन के साथ, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको सबसे पहले इसकी जानकारी मिले। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वह भी हारमोनियम के बारे में सीख सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। हमारे अगले वीडियो में हम आपको हारमोनियम का एक और नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे बाकी वीडियोस देख सकते हैं जो स्क्रीन में अभी आने वाले हैं। इसके साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।